नमस्कार बाबूलाल मरांडी जी, स्टीफन मरांडी जी, आरपीएन सिंह जी, अजय कुमार जी, भैया शांत हो जाएं, आलमगीर आलम जी, सुबोध कांत सहाय जी, रामचंद्र सिंह जी, एआईसीसी के हमारे सेक्रेटरीज, एमएलएस, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस और सेवा दल के हमारे लोग, भाई और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत। ये भैया ये मुझे आप एक बात समझाइए, एक मुझे बात समझाइए, पहले नारा चलता था अच्छे दिन, जनता कहती थी आएंगे, याद है आपको, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। अब नया नारा चला है, देखो चौकीदार चौकीदार, अभी भैया मजा नहीं आया, चौकीदार। ये मुझे एक बात बताइए, ये साढ़े चार साल में अच्छे दिन से चौकीदार चोरे पे कैसे चले गए हम? जहां भी मैं जाता हूं, जहां भी मैं जाता हूं, जैसे ही मैं चौकीदार शब्द बोलता हूं, जनता कहती है चोर है। और अब मुझे थोड़ा खराब लग रहा है, मुझे खराब लग रहा है, क्योंकि एक चौकीदार ने हिंदुस्तान के सब चौकीदारों को बदनाम कर दिया। मतलब अलग अलग चौकीदार मेरे पास आ रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि भैया आप नारा बदलो, आप कहो कि देश का चौकीदार चोर है, क्योंकि हम सब चोर नहीं है, हम तो ईमानदार हैं। देश के सब चौकीदार कह रहे हैं, तो मैं उनको कहना चाहता हूं, देखिए आप घबराइए मत, जनता समझती है हम किस चौकीदार की बात कर रहे हैं। सब लोग जानते हैं कि जब चौकीदार चोर नारा चलता है तो नरेंद्र मोदी जी की बात हो रही है, और ये जो चौकीदार हैं, इन्होंने सिर्फ राफेल मामले में चोरी नहीं की, आपने देखा होगा पिछले दिनों में वायुसेना ने हिंदुस्तान की रक्षा की, वायुसेना ने हिंदुस्तान की रक्षा की, और उसी वायुसेना से चौकीदार ने 30,000 करोड़ रुपए चोरी करके अनिल अंबानी को दिए। पूरा देश जानता है कि एचएल से नरेंद्र मोदी जी ने वायुसेना के पायलट से नरेंद्र मोदी जी ने 30,000 करोड़ रुपए चोरी करके अनिल अंबानी की जेब में डाला। फ्रांस का राष्ट्रपति कहता है कि नरेंद्र मोदी जी ने, चौकीदार ने मुझे साफ बता दिया था कि अगर राफेल हवाई जहाज हिंदुस्तान को बेचना है तो अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा। और आपने देखा होगा वायुसेना देश की रक्षा करती है, वायुसेना के पायलट शहीद होते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री
वायुसेना से पैसे छीनकर चोरी करके अनिल अंबानी की जेब में डालते हैं। शर्म की बात है, इससे शर्म की बात बड़ी बात नहीं हो सकती। मगर ये चौकीदार सिर्फ वायुसेना से चोरी नहीं करता है, ये चौकीदार किसानों से, मजदूरों से, आदिवासियों से भी चोरी करता है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कैसे करता है। देश के किसान, देश के आदिवासी, झारखंड के किसान, झारखंड के आदिवासी, आप अच्छी तरह सुनिए। कांग्रेस पार्टी आपके लिए, आपकी रक्षा के लिए 2013 में जमीन अधिकरण बिल लाई थी। आदिवासियों की जमीन की रक्षा करने के लिए हम ट्राइबल बिल और पैसा कानून लाए थे। ये जो जल है, जंगल है, जमीन है, ये आपकी है, ये अंबानी की नहीं है। अदानी की नहीं है। हम कानून लाए, कानून में साफ लिखा था, बिना किसान से पूछे, बिना आदिवासी से पूछे, जब तक 80% किसानों ने हां नहीं कहा तब तक जमीन नहीं दी जा सकती है। और अगर जमीन दी जाएगी तो सोशल ऑडिट होगा, सोशल इंपैक्ट स्टडी होगी। भैया डिस्टर्ब मत कीजिए, मैं जानता हूं आप में जोश है, नारा लगाना चाहते हो, मगर बीच में मत डिस्टर्ब कीजिए। 80% किसानों से पूछकर जमीन ली जा सकती है, और अगर किसानों ने हां कहा तो सोशल इंपैक्ट स्टडी के बिना जमीन नहीं ली जा सकती, और अगर जमीन ली जाएगी तो मार्केट रेट से 4 गुना ज्यादा पैसा किसान के जेब में डालना ही पड़ेगा, ये कानून है। नियामगिरी में, भट्टा परसौल में लड़ाई हुई, हमने आपको कानून दिया। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, पहला काम जमीन अधिकरण बिल, ट्राइबल बिल को रद्द करने का। पार्लियामेंट में हमसे लड़े, कांग्रेस पार्टी पीछे नहीं हटी, हमने कहा ना हम नहीं करने देंगे। हम आदिवासियों की जमीन, किसानों की जमीन 15-20 उद्योगपतियों के हाथ में नहीं जाने देंगे। 3 बार नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में कोशिश की, 3 बार कांग्रेस पार्टी ने उनको रोका, और फिर उन्होंने अपने सरकारों को कहा कि स्टेट लेवल पे आप कानून बदल दीजिए। और आज झारखंड में बिना किसान के पूछे, बिना आदिवासी के पूछे, आपकी जमीन छीनकर उनके उद्योगपति मित्रों को दी जाती है। अब देखिए, झारखंड जैसा प्रदेश, छत्तीसगढ़, कुछ ही दिन पहले वहां चुनाव हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, राजस्थान में हुआ। मैंने अपने भाषणों में साफ कहा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में जैसे ही कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी, 10 दिन के अंदर किसान का कर्जा माफ हो जाएगा। नरेंद्र मोदी हर भाषण में झूठ बोलता है, चौकीदार हर भाषण में झूठ बोलता है। 15 लाख रुपए दे दूंगा किसान को, सही दाम दे दूंगा, कर्जा माफ कर दूंगा। हमने कहा आप 10 दिन गिनना, 10 दिन, चुनाव जीतने के 2 दिन के अंदर तीनों प्रदेशों ने किसान का कर्जा माफ किया। छत्तीसगढ़ की सरकार ने कहा
कि जमीन अधिकरण बिल के मुताबिक अगर किसी उद्योगपति को जमीन दी गई और उसने उस जमीन को 5 साल के अंदर इस्तेमाल नहीं किया, अगर उस जमीन पे उद्योग नहीं लगा तो वो जमीन वापस आदिवासियों को, किसानों को दी जाएगी। और एक ऐतिहासिक कदम छत्तीसगढ़ की सरकार ने लिया। बस्तर में टाटा कंपनी की जमीन थी, जमीन इंडस्ट्री के लिए दी गई थी, जमीन पे कुछ नहीं किया गया। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर ने वो जमीन टाटा कंपनी से लेकर आदिवासियों को वापस दी। ऐतिहासिक काम। छत्तीसगढ़ में जाइए, हमने वायदा किया था 2500 रुपए धान के लिए किसान को दिया जाएगा। जाइए छत्तीसगढ़ में, किसी किसान से पूछ लीजिए धान के लिए उसको कितना पैसा मिलता है। 2500 रुपए छत्तीसगढ़ की सरकार गारंटी करती है। मोदी जी ने पिछले 4.5 साल में 3,50,000 करोड़ रुपया 15 लोगों का कर्जा माफ किया है। मैं झारखंड के युवाओं से पूछना चाहता हूं, आप शिक्षा के लिए बैंक लोन लेते हो, छोटे दुकानदारों से पूछना चाहता हूं, आप बैंक लोन लेते हो, किसानों से पूछना चाहता हूं, आप बैंक लोन लेते हो, आप लोगों ने क्या गलती की कि हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का 3.5 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी माफ कर सकता है मगर हिंदुस्तान के युवाओं का, किसानों का, छोटे दुकानदारों का 1 रुपया माफ नहीं कर सकता है। मेक इन इंडिया कहते हैं, जहां देखो मेड इन चाइना, शर्ट के पीछे मेड इन चाइना, जूते के नीचे मेड इन चाइना, फोन के पीछे मेड इन चाइना। एक के बाद एक मोदी जी भाषण करेंगे और झारखंड का युवा देखेगा, झारखंड के युवा से पूछो भैया क्या करते हो, जवाब मिलेगा कुछ नहीं करते। रोजगार है? नहीं है। बेरोजगारी का गढ़ है ये, सबसे ज्यादा बेरोजगारी झारखंड में। पूछ लो, किसी भी युवा से पूछ लो, मीटिंग में हजारों युवा हैं, पूछो उनसे क्या करते हो, कुछ नहीं करते। अच्छा, लोकसभा में कुछ दिन पहले मैंने देखा फाइनेंस मिनिस्टर बजट की बात करता है, पता नहीं क्या बोला, उसके बाद 10 मिनट बीजेपी के नेताओं ने, एमपीज ने यूं धड़ाधड़ ताली बजाई। मैंने खारगे जी से पूछा, भैया ये क्या हो गया, ये क्यों ताली बजा रहे, 5-7 मिनट इन्होंने ताली बजाई। अच्छा, सबके सब मोदी जी की ओर देखकर यूं ताली बजा रहे हैं कि भैया गुस्सा ना हो जाए। पता लगता है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि हिंदुस्तान के किसानों को नरेंद्र मोदी जी दिन का 17 रुपए पैसा दे रहे हैं। उधर 3.5 लाख करोड़ रुपए और हिंदुस्तान के किसान के परिवार को 17 रुपए दिन का, मतलब एक व्यक्ति को 3.5 रुपए, और बीजेपी के सब नेता धड़ाधड़ ताली बजा रहे हैं, मजाक बना रखा है। हमने निर्णय ले लिया है और कांग्रेस पार्टी ऐतिहासिक काम करती है, टाइम जाया नहीं करती है। हम अच्छे दिन की बात नहीं करते, 15 लाख की बात नहीं करते, हम किसान कर्जे की बात करते हैं, 70,000 करोड़ रुपए आपके बैंक अकाउंट में डाल देते हैं। तो हमने निर्णय ले लिया है, जैसे ही दिल्ली में यूपीए की सरकार आएगी, सॉरी दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, जैसे ही 2019 में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, हम काम शुरू कर देंगे। हमारा काम क्या है मैं बता देता हूं आपको। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने इन उद्योगपतियों को 2,00,000 करोड़ रुपए दिया है,
वैसे कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति को गारंटीड मिनिमम इनकम देने का काम करेगी। मतलब हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति को गारंटीड कम से कम आमदनी का पैसा उसके बैंक अकाउंट में सीधा कांग्रेस पार्टी डाल देगी। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, सीधा आपके बैंक अकाउंट में पैसा। अगर नरेंद्र मोदी उन चोरों के जेब में पैसा डाल सकता है तो हम हिंदुस्तान के गरीब ईमानदार लोगों के जेब में पैसा डाल देंगे। करो जो करना है आपको, बोलो जो बोलना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐतिहासिक काम है, किसी भी देश ने ये काम नहीं किया। हिंदुस्तान पहला देश होगा जो अपने सब गरीब के बैंक अकाउंट में, जेब में मिनिमम आमदनी का पैसा डाल देगी। भाई और बहनों, आपने नीरव मोदी का नाम सुना है? ललित मोदी का नाम सुना है? नीरव मोदी को नरेंद्र मोदी भाई कहते हैं, आपने टीवी में देखा होगा। मेहुल भाई, नीरव भाई। अच्छा, मुझे एक बात समझाओ, इन सब चोरों के नाम मोदी क्यों है? ललित मोदी, नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी। ललित मोदी, नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने आपको मनरेगा दिया, भोजन का अधिकार दिया, मिनिमम इनकम गारंटी देने जा रही है, हरी क्रांति, सफेद क्रांति, कंप्यूटर रेवोल्यूशन, टेलीफोन, ये सब कांग्रेस पार्टी ने आपको दिया। अब पिछले 5 सालों में मुझे बता दो, नरेंद्र मोदी ने क्या दिया? मुझे एक बात बता दो, 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में दिए, हिंदुस्तान साफ हो गया? तो मुझे बताओ, चौकीदार ने आपको पिछले 5 सालों में कौन सी चीज दे दी? मैं आपको बताता हूं, जहां भी नरेंद्र मोदी जाते हैं, हिंदुस्तान की जनता के बीच में नफरत फैला देते हैं। जहां भी जाएंगे कुछ ना कुछ गलत बात बोल जाएंगे, हिंदू को मुसलमान से लड़ाएंगे, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को बाकी हिंदुस्तान से लड़ा देंगे, तमिलनाडु में जाके उनकी लड़ाई करवा देंगे, हरियाणा में जाट नॉन जाट की लड़ाई करा देंगे, महाराष्ट्र में जाके कहेंगे, बीजेपी के लोग कहेंगे, उत्तर प्रदेश, बिहार के लोगों को महाराष्ट्र से निकालो। जहां भी जाते हैं इनके पास सिर्फ एक काम है, इनका एक ही काम है, जहां भी जाएंगे नफरत फैला देंगे। और हमारे जो यहां हजारों कार्यकर्ता हैं, आपका काम नफरत मिटाने का, लोगों को जोड़ने का है। जहां भी आप जाते हो आप भाईचारे और प्यार की बात करते हो। कितने युवाओं को नरेंद्र मोदी ने रोजगार दिया? यहां कोई है, इनकी सरकार है, यहां पे दिल्ली में उनकी सरकार, झारखंड में बीजेपी की सरकार, मुझे बता दो झारखंड में कितने युवाओं को उन्होंने रोजगार दिया? कितने उद्योग लगाए, कितनी फैक्ट्रियां लगी? ना आपसे आपकी जमीन छीनते हैं, जंगल छीनते हैं, जल छीनते हैं, और आपको खोखले भाषण, झूठे शब्द बोल के चले जाते हैं। और मुझे आज यहां बहुत
रही है कि झारखंड में सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ रही है, एक साथ पूरा का पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा है, मिलकर लड़ रहा है। चाहे वो जेएमएम हो, बाबूलाल मरंडी हो, स्टीफन मरंडी हो, सबके सब मिलकर एक साथ बीजेपी को यहां हराने जा रहे हैं। आप देखना यहां पे बीजेपी दिखाई नहीं देगी। 14 की 14 सीटों में गठबंधन जीतने जा रहा है और उसके बाद छह महीने बाद बीजेपी असेंबली इलेक्शन में हारेगी और झारखंड में चाहे वो जमीन अधिकरण बिल हो, चाहे वो किसान की रक्षा हो, चाहे वो युवाओं को रोजगार देने का काम हो, वो काम गठबंधन की सरकार आपके लिए करेगी। देखिए, मैं छत्तीसगढ़ में भी यही बात बोलता हूं, छत्तीसगढ़ गरीब नहीं है मगर छत्तीसगढ़ की जनता गरीब है। और यही बात मैं यहां कहना चाहता हूं, झारखंड गरीब नहीं है मगर झारखंड की जनता गरीब है, क्योंकि हर रोज आपसे आपका धन, आपका जल, आपका जंगल चोरी किया जाता है। देखिए, छत्तीसगढ़ में पैसे की कोई कमी नहीं, दो दिन के अंदर हर किसान का कर्जा माफ, 2500 रुपए धान के लिए, पैसे की यहां कोई कमी नहीं है, यह अमीर प्रदेश है। आपसे आपका पैसा चोरी किया जा रहा है, दिन दिन भर चोरी किया जाता है। चौकीदार, और 2019 में हम दिल्ली चौकीदार को दिल्ली से भगाएंगे और फिर उसके बाद झारखंड में गठबंधन की सरकार आएगी और जो आपका धन है वो आपको मिलेगा, आपके अस्पतालों में, आपके कॉलेजेस में, आपके स्वास्थ्य के लिए आपका धन लगाया जाएगा। देखिए, आप मेरे सब भाषण सुन लीजिए, 2004 से मैं राजनीति में हूं, आप मेरे एक भाषण दिखा दीजिए मुझे जहां मैंने झूठ बोला, कहीं मैंने झूठा वायदा किया मुझे दिखा दो, दिखा दो मुझे एक भाषण दिखा दो जहां राहुल गांधी ने कोई ना कोई झूठ बोला हो। हमने मनरेगा की बात की, मनरेगा दिया, भोजन के अधिकार की बात की, भोजन का अधिकार दिया, किसान कर्जा माफी की बात की, 70,000 करोड़ रुपए यूपीए सरकार थी तब किया, पंजाब, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, आप इस किसी भी प्रदेश में चले जाओ पूछो, राहुल गांधी ने कहा था कर्जा माफ होगा, हां या ना बता देंगे, हो गया। अब आप नरेंद्र मोदी के भाषण देखिए, वहां आपको एक सच्चाई दिख जाए, एक सच्ची बात दिख जाए तो मुझे बता देना, मैं आपका टाइम जाया करने नहीं आया हूं, मैं आपके साथ मिलकर झारखंड को बदलने आया हूं। और मुझमें पूरा भरोसा है कि चाहे वो कांग्रेस पार्टी के नेता हो, चाहे वो गठबंधन के दूसरी पार्टी के जो नेता हैं, यहां मरंडी जी बैठे हैं, सोरेन जी है, मुझे पूरा भरोसा है कि ये टीम है, अब
हम सब मिलकर एक साथ झारखंड को बदलने वाली सरकार देंगे, यह मेरा आश्वासन है आपको। तो आप दूर दूर से आए, अंत में आपसे कहना चाहता हूं, देखिए ये दो हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, एक हिंदुस्तान अनिल अंबानी का, दूसरा हिंदुस्तान गरीबों का। हम दो हिंदुस्तान नहीं बनने देंगे, ये झंडा एक है। अगर दो हिंदुस्तान चाहिए होते तो दो झंडे बनते, एक झंडा ये सबका है, हर धर्म का है, हर जात का है, हर प्रदेश का है, हर भाषा का है, अमीरों का है, गरीबों का है। हम दो हिंदुस्तान नहीं बनने देंगे। अगर अनिल अंबानी और 15 उद्योगपतियों का कर्जा माफ होगा तो गरीब किसान का, आदिवासी का भी कर्जा माफ होगा, इनकी जमीन की रक्षा होगी, इनको रोजगार मिलेगा, अस्पतालों में इनका भी इलाज होगा, स्कूल और कॉलेजेस में इनके भी बेटे जाएंगे, बेटियां जाएंगी। यह आश्वासन हम आपको देंगे और यह हम आपको करके दिखाएंगे। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।